हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आया सावन की तीज का त्यौहार है और सभी सुहागनों के जीवन में बरसेगी खुशियों की बौछार है। दोस्तों, हरियाली तीज है और आप सभी को इस तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन शिवजी ने माँ पार्वती से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें जीवन संगिनी बनाने का वरदान दिया था और हर साल सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है और इस दिन वृक्ष हो, नदी हो, जल के देवता वरुण हो, इनकी उपासना की जाती है। इसे छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर विवाहित महिला अपने पति के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए इस व्रत को रखती है और कथा का पाठ करती है। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं होती है वो भी योग्य वर को पाने के लिए इस हरियाली तीज का व्रत रखती है। इस दिन पूजा करने के बाद झूला झूलने की परंपरा आती है और इसलिए सभी महिलाएं इस दिन एक दूसरे को झूला झुलाती है, घर घर झूले डाले जाते हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने कम उम्र में ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कामना कर ली थी। इसके बाद जब वह विवाह के योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर देखने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी बात को सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी श्री हरि दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती बड़ी चिंतित हुई क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पति के रूप में शिवजी को ही जाना था। इसी वजह से माता पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल में गई और जंगल में जाकर 107 जन्मों तक कठिन व्रत और तपस्या की, जिसे देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि अब वह उनकी पत्नी बनेगी। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हुए और परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी संपन्न हुई और तभी से हर साल सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर हरियाली तीज के पर्व को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, अपने हाथों को मेहंदी से सजाती है, झूला झूलती है और व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। जो भी सामग्री है वो लिस्ट बता दे रही हूँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको पूजा के लिए। भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति, तीज व्रत की कथा, आरती की पुस्तक, हरी साड़ी, चुनरी, नए कपड़े। जो लोग व्रत करते हैं वो चाहे तो नई साड़ी पहने या हरे रंग की साड़ी पहने, पीले रंग का कपड़ा, लकड़ी की चौकी, सोलह श्रृंगार की वस्तुएं या माता पार्वती को चढ़ाने के लिए सुहाग सामग्री। एक कलश चाहिए, घी, कपूर, जटा वाली नारियल, केले के पत्ते, बेलपत्र, भांग, जनेऊ, अक्षत, धतूरा, शमी के पत्ते, पान सुपारी, दुर्वा, श्रीफल, मिश्री, अबीर गुलाल, गंगा जल, दही, शहद, चंदन फूल, हल्दी, माला, मिठाई, गाय का दूध, फल, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि नॉर्मल तैयारी कर लीजिए। और अगर आप यहाँ भोग बनाते हैं तो खीर, पूरी, हलवा जो बनता है वो बनाइए, नहीं तो घेवर अगर बनते हैं, जो राजस्थान के घर होते हैं उसमें इस दिन घेवर बनाए जाते हैं, शहद, गुड़, घी आदि का भोग लगाया जा सकता है। इस बार 2024 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की तीज शुरू हो रही है 6 अगस्त को मंगलवार शाम को 7:52, यानी 8 बजे से ऑलमोस्ट शुरू हुई है और ये रहने वाली है 7 अगस्त को बुधवार के दिन यानी रात को 10:05 पर। तो उदया तिथि का भान रखते हुए हरियाली तीज 7 अगस्त को ही मनाई जाएगी और बहुत सारे लोग 6 अगस्त को कह रहे हमने मना लिया या मनाने वाले, बिल्कुल गलत है। उदय तिथि का भान रखा जाता है तीज पर, रात्रि का त्यौहार नहीं है ये, शाम को प्रदोष काल का त्यौहार है और प्रदोष काल आपको ये 7 अगस्त बुधवार के दिन ही प्राप्त हो रहा है। और पूजा भी आपको सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करनी चाहिए शिव पार्वती की। शाम को 7:07 पर सूर्यास्त होने वाला है, बाकी लोकल टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं। और सुबह 10:30 से लेकर दोपहर को 12 बजे तक भी पूजा की जा सकती है या फिर शाम को 4:30 से 6 बजे तक के बीच भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त 3 बहुत ही शुभ योग भी बने हैं, महायोग बन रहे, शिव योग में आई है तीज। तो ये अपने आप में बहुत खास है, परिघ योग है और साथ साथ रवि योग भी है। समय मैंने दिया हुआ है, स्क्रीन पर चेक करें। और हरियाली तीज पर इस बार जो योग बन रहे हैं
ये बहुत विशेष है और इस योगों में जो भी स्त्री व्रत करेगी वो पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को प्राप्त करेगी, क्योंकि सर्वप्रथम कहा जाता है इस व्रत को माता पार्वती ने ही भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर के श्रृंगार करें, हरी हरी साड़ी पहने और हरी हरी मेहंदी लगाए, हाथों में गीत गाएं, नृत्य करें और अपने परिवार और पति के साथ जुड़ाव करें, उनके साथ खुशियों के पल बिताएं। आपको इस दिन शिव पार्वती का व्रत करने के लिए संकल्प भी कर सकते हैं और दीर्घायु की अपने पति की कामना करें। 16 श्रृंगार करने के बाद एक चौकी पर आप माता पार्वती, भगवान शिव जी और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें और पहले गणेश जी की फिर शिव पार्वती की आप पूजन करें। सभी प्रकार की सामग्री आदि आप अर्पित करें। पार्वती माता को विशेष रूप से श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। बाद में ये श्रृंगार सामग्री कोई भी सुहागनी स्त्री को आप उपहार में दे सकते हैं या स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट होता है कि सासू माँ को बायना भी इस दिन निकाल के दिया जाता है, तो आप सासू माँ को बायना दें और उन माता पार्वती को विशेष रूप से भोग लगाएं। पूजा के दौरान आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ लोग तीज के व्रत की कथा नहीं सुनते। जो मैंने शुरू में सुनाई है तीज के व्रत की कथा है वो अवश्य सुनना चाहिए और इसके बाद शिव पार्वती की आरती भी करनी चाहिए और प्रार्थना करें जो भी पूजा में गलतियाँ हुई है उसके लिए क्षमा ज़रूर मांग लें। प्रार्थना कैसे करना है, हाथ जोड़ करके बोले, माता पार्वती और भगवान शिव की मैं पूजा करती हूँ, उनकी कृपा से मेरा जीवन, मेरा परिवार सुखी और समृद्ध हो, मेरे पति की लंबी आयु हो और मेरा जीवन अखंड सौभाग्य से भरा हो। मैं भी माता पार्वती की तरह ही सिर्फ अपने भोलेनाथ की तपस्या करूँ और भगवान शिव की कृपा से मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए। इस प्रार्थना को करते समय सच्चे मन से अपने पति और अपने ससुराल वालों के लिए प्रार्थना करें और भगवान शिव की कृपा की आशा करें। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो रुद्राक्ष की अच्छी अभिमंत्रित माला हो तो आप जाप भी कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम शिवाय पार्वती सहिताय नमः, ओम ह्रीं गौरी शक्तये नमः, ओम श्रीं शिव पार्वती सहिताय नमः। इस दिन पार्वती माता को ज़रूर जोड़ करके आप मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना कोई हो तो आप वो भी बोल सकते हैं भोलेनाथ और पार्वती माता के आगे, उनसे शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें, आपकी मनोकामना अवश्य में पूर्ण होगी। और अंत में आपके यहाँ सासू माँ को बायना देने के लिए सुहाग सामग्री और दक्षिणा निकालते हैं तो वो आपको निकालना चाहिए और सासू माँ के पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। पत्नियों को चाहिए कि ये व्रत अपने अपने ससुराल में करें और पति के घर वालों का सम्मान करें। हरियाली तीज के दिन कुछ गलतियां करने से आपको बचना भी चाहिए। आपको इस दिन शाम को जब तक आप पूजन ना करें जल और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और अगर आपके यहाँ पूरे दिन का व्रत रखते हैं, अगले दिन पूजन करके खोलते हैं तो अपने घर के नियमानुसार व्रत को करें। व्रत में आप चाहें तो जलेबी, सेब, केला, अंगूर, अन्य फल खाए जा सकते हैं, लड्डू, बर्फ़ी, मिठाइयाँ खाई जा सकती है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी आदि, पकौड़े आदि बना के खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी पराठा बना के, चाय कुट्टू के आटे का, समा के चावल खा सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। ध्यान रखना है सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और इस दिन कोई भी किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। बाकी आपके घर में जिस भी तरीके से व्रत को किया जाता है अपने घर के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्रती महिला गंभीर रोगी हो या प्रॉब्लम में हो तो उसके स्थान पर दूसरी महिला संकल्प देकर के व्रत कर सकती है और या फिर उनके पति भी चाहे तो इस व्रत को रख सकते हैं। और ध्यान रखें एक बात दोस्तों, आप व्रत करेंगे साथ साथ अपने सास ससुर, अपने पति का सम्मान करें, अपने जेठ जेठानी, अपने देवर देवरानी, ननद, सभी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये परिवार से जुड़ने का त्यौहार है। बहुत दुख है कि आजकल लड़कियां अपने ससुराल वालों का, अपने पति का सम्मान नहीं करती और व्रत को उठाती हैं। व्रत करने से कुछ नहीं होगा अगर पति और उनके घर वालों से आपको प्रेम नहीं है तो। वहीं कुंवारी लड़कियां भी देखा देखी में अपने प्रेमी के लिए इस व्रत को कर लेती है। आज की सामाजिक हालत देखते हुए कहूँगी कि अगर आपकी शादी होनी पक्की हुई है तब किसी के साथ तभी इस व्रत को करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस व्रत का, ऐसे व्रत को करने का तरीका सही नहीं है। पूजा के समय नीले, काले, सफ़ेद या भूरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाल हरे वस्त्र पहने, गुलाबी पहने
और प्रदोष काल में पूजा करना सबसे उत्तम होता है, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं इस दिन, तो आपको बता दूं, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सही तालमेल पति पत्नी में बनाए रखने के लिए इस दिन निर्जला या फलाहार उपवास रखें और शाम के समय श्रृंगार करके शिव जी के सामने बैठ जाएं और शिव जी को थोड़ा सा इत्र और जल मिला के अर्पित करना चाहिए। पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाएं, चुनरी, लाल चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ ये अर्पित कर सकते हैं और एक घी का चौमुखी दिया जलाइए। फिर चंदन चढ़ा करके नमः शिवाय जो मंत्र है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं या फिर ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद जो चुनरी आप अर्पित करेंगे, हरी चुनरी हो तो हरी, नहीं तो लाल चुनरी आप गौरी माता को अर्पित करके उसमें 11 रुपये उस चुन्नी में बांध करके आप अपने पास हमेशा के लिए रख लें। और ये उपाय करने से, अगर हरी चुन्नी नहीं भी है तो कोई भी ग्रीन कलर का कपड़ा लेकर के भी आप अर्पित करें। और ये उपाय करने से कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है। अपनी अलमारी में ये चुनरी को ला के छुपा करके रख दीजिए, आप देखेंगे जो या फिर जो चूड़ियाँ हैं, आपको अगर कपड़ा नहीं मिलता आप हरी चूड़ियाँ भी अर्पित कर सकते हैं और हरी चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और हमेशा पहने रहें या समय समय पर पहनें। अपने पति के साथ बाहर आदि जाएं तो उसको पहन कर जाएं और नहीं तो आप घर में भी इनको धारण करके रख सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो शाम के समय एक और मंत्र बता देती हूँ, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र को आप विशेष रूप से आज के दिन जाप करती हैं स्फटिक की अभिमंत्रित माला से, तो आप कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम बढ़ता है। दोस्तों कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। पूजा के समय आजकल मोबाइल फोन्स का इतना चलन है, बात करते करते इधर उधर लाइव दिखा करके आपको पूजा नहीं करनी है। ध्यान रखें पूजा के समय मन को शांत और एकाग्र रखें, किसी से भी और से ना जुड़े, ना ही गुस्सा क्रोध आदि करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें और भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। साफ सुथरे तरीके से करें, नीले काले कपड़े ना धारण करें और अपने पति की लंबी आयु की कामना अवश्य करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको दिन बिताना चाहिए, तभी इस प्रकार से सावधानियों को बरतते हुए जो भी स्त्री, जो भी सुहागन, जो भी लड़की हरियाली तीज का व्रत करती है उसका व्रत सफल होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत कलेश चल रहे हैं तो वो भी दूर होता है, पति पत्नी के बीच प्यार और समझ बढ़ती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ जहाँ राजस्थान आदि में सिंधारा होता है इस दिन बहुत सारी चीज़ें अपनी बहू बेटियों को भेजी जाती है, तो सभी लोगों से निवेदन है एक प्यार दिखाने का मौका है, छोटे छोटे उत्सव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और फिर देखें दोस्तों कैसा कमाल आप सभी के जीवन में होता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, बोलिए गौरी मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।